ये वीडियो बेस्ड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 पर और इस वीडियो में हम 6.2 के क्वेश्चन करेंगे कुछ जो लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है. तो ये फिगर दी हुई है, इसमें 50 डिग्री एंगल है यहाँ पर और ये एक्स है, ये 130 डिग्री और ये वाई. तो इसमें लेते हैं एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर है, यहां से यहां तक इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो x की वैल्यू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो x आ गया यहां से हमारा 130 डिग्री. और इन दोनों एंगल को अगर हम लेते हैं यहां पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री. अब x भी 130 डिग्री है और y भी 130 डिग्री है, तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू y, हेंस ए बी पैरेलल सी डी. तो जब x और y दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दोनों. तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है वो, तो इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा. इसमें सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 2 ए बी पैरेलल सी डी. तो ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल ई एफ, तो सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है. तो ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ. तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ये. तो इसमें हमें वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है और एक्स फाइंड कराया हुआ है. तो गिवन जो है हमें वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7. तो हम इसमें ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू 3k और जेड इज इक्वल टू 7k. अब हमने यहां पर देखा कि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, और इसी तरह से ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी. तो जब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा z के. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे यहां पर. तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब x और z इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 के, क्योंकि AB पैरेलल EF, इसलिए x इज इक्वल टू z हो जाएगा और वो भी 7k हो जाएगा. तो x 7k हो गया, y 3k हो गया और z भी हमारा 7k हो गया. तो अब चलते हैं आगे. Now x plus y is equal to 180 degree. Sum of angles on the same side of parallel lines. तो ये दोनों का सम x plus y का 180 degree हो गया. तो x को और 7y को रिप्लेस कर देंगे. x है 7k, y 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 10k इज इक्वल टू 180 और k इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो यहां से k की वैल्यू आ गई. अब इस k को यूज करेंगे हम x के लिए वैल्यू निकालने में. तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री. तो x इज इक्वल टू आ जाता है 126 डिग्री. तो ये आंसर है. अब इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें शो किया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी है. तो ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं. ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइन हो गई दोनों, और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और जी डी इज इक्वल टू 126 डिग्री. तो जी डी यहाँ पे दिया है 126 डिग्री. तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ए जी और जी डी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा. तो ए जी एंगल इन्होंने फाइंड कराया है तो वो भी 126 हो जाएगा.
तो करते हैं इसको, तो AGE फाइंड करते हैं सबसे पहले, AB पैरेलल CD ये हमें गिवन है, तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED, तो AGE एंगल इक्वल 126 डिग्री, क्योंकि GED हमारे पास 126 है, तो इसलिए AGE हो जाएगा 126 डिग्री। अब फाइंड करते हैं GEF, तो एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED, एंगल GED माइनस FED, तो GED में से हम FED माइनस कर लेंगे और FED एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि EF और CD परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए तो GED कितना गिवन है 126 माइनस FED, FED 90 डिग्री है, तो 126 माइनस 90 ये 36 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब फाइंड करते हैं एंगल FGE लास्ट, तो एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा GEC, तो FGE, F यहां से, G यहां से और E यहां से, तो ये एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा GEC के, क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं और GE एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसलिए दोनों अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो FGE को हम GEC के इक्वल रख देंगे और GEC फाइंड करेंगे अब, तो GEC इक्वल हो जाएगा 90 माइनस GEF, तो GEC ये एंगल इक्वल हो जाएगा 90 माइनस GEF, तो 90 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये रिमेनिंग बच जाएगा GEC, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो 90 माइनस GEF किसके इक्वल आया था, GEF है 36 डिग्री, तो 90 माइनस 36 डिग्री, तो एंगल FGE इज इक्वल टू 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल FGE। तो इस तरह से हमारे ये तीन आंसर आ जाते हैं, AGE, GEF और FGE, ये तीनों हमारे एंगल की वैल्यूज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।